हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ये अनदर वीडियो फॉर यू। आज मैं हम लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक है और ये एक डेटा है जो आरबीआई ने शेयर किया है कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसके तरीके क्या है और लोग अभी भी क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक पैटर्न में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने आज ये जो डेटा है शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में इक्विटी मार्केट में कितना ग्रोथ बाकी है और दूसरा कि लोग इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं और किस पैटर्न में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इतना कुछ अवेयरनेस फैलाने के बाद भी इक्विटी मार्केट को लेके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डाउट्स हैं और क्लियरिटी नहीं है और हर चीज इक्विटी को लेके हर चीज को लेके डाउट है। सो ये डेटा बहुत कुछ बताएगा आपको, आपको बहुत कुछ समझना मिलेगा कि एक क्लाइंट मान लो या तो इंडिया के लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ पे अपना बड़ा पैसा पार्क किया हुआ है। यू विल बी शॉक्ड टू से दिस। ठीक है, चलो पॉइंट पे चलते हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर आपको ये डेटा और एनालिसिस अच्छा लगे तो आप जरा ये वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ये जरूरी है कि लोगों तक बात पहुंचे कि आपको इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसा होना चाहिए, लोग अभी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों इतने डरे हुए हैं लोग। ठीक है, चलो पॉइंट पे चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा प्लीज ध्यान से देखना और स्किप मत करना। ठीक है, चलो तो आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये मेरी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि लोग इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, वेयर इंडिया इन्वेस्ट एंड हाउ मच। सो मैंने अलग अलग कलर्स बना के रखे हैं आपके लिए। ठीक है, जो ऑरेंज कलर है उसमें बैंक डिपॉजिट जो सबसे पहले चॉइस रही है हर इंडिया के लोगों की, हर छोटा बड़ा इंसान बस एफडी के पीछे भागता रहता है। ठीक है, दूसरा है अदर्स, अदर्स का रेशियो तो बहुत कुछ डाइवर्सिफाई करता है कि प्रॉपर्टी है, एनसीडीज है, बॉन्ड्स एंड वेयर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड फंड्स वो तो समझ सकते हैं, प्रोविडेंट फंड्स वो भी समझ सकते हैं, स्मॉल सेविंग भी थोड़ा समझ सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी समझ सकते हैं। तो जो शॉकिंग है वो बैंक डिपॉजिट और अदर्स है मेरे लिए इस रिपोर्ट के अंदर। तो आगे चलते हैं, ये ध्यान से, और ये मेरा डेटा नहीं है आरबीआई का, मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ मेरी मनगढ़ंत गाड़ियां नहीं बता रहा हूँ, ये सोर्स है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से डेटा मिला है मुझे। और ये एक ये जो है बहुत ही शॉकिंग है, जो मैंने ये बताया आपको उस हिसाब से ये डेटा है। तो इस डेटा के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो अदर्स का रेशियो है वो कितना है, ये सारे फिगर क्रोर्स में है। ठीक है, 5,25,444 crore और उसके बाद का जो डेटा है और उसके अंदर ये स्मॉल सेविंग का अमाउंट है 1,530,053 crore, 3,69,445 crore, इंश्योरेंस का जो रेशियो है वो इतना है 3,43,959 crore और 5,30,913 crore, ये है 2018 का डेटा है, मैं 5 साल का डेटा आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद का जो डेटा है जस्ट अ मिनट वो है 2019 का, आप देख रहे हो इनका एफडी का रेशियो कितना है यहाँ पे। ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पे देखो एफडी के डिपॉजिट में हाइप आया है, उसके बाद इंश्योरेंस पे थोड़ा हाइप आया है, मतलब यहाँ पे ग्रो हो रहा है सब कुछ और स्मॉल सेविंग बैंक्स के अकाउंट में ग्रो हुआ है तो वहां पे, बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है ऊपर के साइड। ठीक है, जो अदर्स वाला रेशियो है तो अदर्स यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, उसके बाद का जो रेशियो है थोड़ा 2020 का है, अदर्स के अमाउंट में कमी हुई बट सेविंग्स के इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई है, सेविंग स्मॉल सेविंग ऑन पे जो भी कुछ है, फिर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में 5,202 crore, फिर यहाँ पे एक ये जो अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस, चलो ये तो समझ सकते हैं, इंश्योरेंस और पीपीएफ भी समझ सकते हैं और पर अदर्स और एफडी नहीं समझ सकते थोड़ा, क्योंकि ये इसमें कमी नहीं हो रही है। देखो ये इनसिक्योर लोगों की निशानी है सारी एफडी। ठीक है, या तो इनसिक्योर है या तो अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ठीक है, पीपीएफ का अमाउंट हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वैसे पीपीएफ के फिगर्स भी बढ़ते हैं और पीपीएफ का डिपॉजिट भी बढ़ता है, तो ये चीज हमको एक क्लियरली दिखा रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इसलिए पीपीएफ की अमाउंट बढ़ी है।
बट ये अदर्स और एफडी का क्या लॉजिक है? ठीक है, तो मतलब ये इनसिक्योरिटी दिख रही है, यहाँ पे क्लियर इनसिक्योरिटी दिख रही है। उसके बाद 2021 के बाद जो जंप आया है सीधा 2022 में, देखो मुझे फिगर क्यों अच्छा लगा, मुझे वीडियो बनाने में क्यों मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदर्स की अमाउंट में कमी हुई है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। बट फिर भी एफडी के अमाउंट, तो यहाँ एफडी के अमाउंट में बहुत ज्यादा कमी हुई है, ये सब महानुभाव की वजह से हुआ है, जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं उसके वजह से हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेके अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों के अंदर। फिर भी एक शॉकिंग चीज है कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ है पर म्यूचुअल फंड में उतने पैसे नहीं आए, इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आए। तो बट एक ही चीज अच्छी है कि 2018 के कंपैरेटिव में 2022 में यहाँ पे फिगर एज यूजुअल हो गई है वापस, 2018 के हिसाब से 2022, मतलब फिगर 2018 से बड़ी नहीं है बट एक्चुअल में उसके सिमिलर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्रोथ क्लियरली दिख रहा है, राइट? तो 2022 का सिनारियो और ये 2021 का सिनारियो, 2021 में ज्यादा पैसे आए हैं, 2022 में कम पैसे आए हैं, बट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने जो डेटा दिखा है आप इसको सेव कर सकते हो और रख भी सकते हो, या तो शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ स्क्रीनशॉट लेके। अभी चलो ये तो मैंने सब दिखा दिया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि लोगों के अंदर डर क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, आप जो देखना उसे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा क्यों डरना चाहिए और क्यों नहीं डरना चाहिए। ठीक है, मैं आपको निफ्टी का रिटर्न दिखा रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, ये मेरा निफ्टी का रिटर्न है। ठीक है, आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है, स्क्रीन में देखो 2018 है, उसमें 10% रिटर्न है, 10.2, 19 में 14.19, 20 में नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि आप सबको पता है वो कोरोना का टाइम था, इसको तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसी अनसर्टेनिटीज 5 साल में एक बार आती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रिटर्न नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद का जो रिटर्न है आप देख लो 70.9, 21 में तो जिसने पैसे डाले उसने तो छाप ही लिया होंगे। ठीक है, इतना भयंकर रिटर्न तो कभी मार्केट में आया नहीं। उसके बाद 2018 में देखो, 2022 में देखो, मतलब आप कंपेरेटिवली वाई देखने जाओ तो रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं ना फॉल इज परमानेंट, फॉल इज टेम्पररी, राइज इज परमानेंट, तो जब भी छोटा बड़ा फॉल आए आपको पैसे डालने चाहिए। चलो अभी पैसे कैसे डालने चाहिए मैं वो भी समझाता हूँ, इसके बाद की स्लाइड थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना और आपको समझने की कोशिश करना। चलो इसके बाद ये मैंने एक स्लाइड बनाई है आपके लिए, हाउ टू इन्वेस्ट विथ नो रिस्क। तो ये जो है, मान लो आपके पास 100 रुपीज पड़े हैं, एग्जाम्पल, या तो 10,000 रुपए पड़े हैं, या तो 5 लाख पड़े हैं, या तो 10 लाख पड़े हैं, आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए? 20% एफडी में, मतलब 5 लाख 10 लाख में से अपने 2 लाख एफडी में डाल दिए। मैं तो नहीं करूंगा, मैं 1 लाख ही रखूंगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूं, आपको डर है तो नो रिस्क पर 20%, 2 लाख रुपए एफडी में डाल दो। म्यूचुअल फंड में आपका हिस्सा 30% होना चाहिए, वो भी कैसे, वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लो कि आपके पास 3 लाख रुपए है, तो आपको क्या करना है, लिक्विड फंड में पार्क कर देना है और उसमें से हर महीने उसको 5-5 हजार में डिवाइड कर देना है, 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए। ठीक है, या तो 2,000 में, जो भी आपका साइज हो, तो लिक्विड फंड में एक फिक्स रिटर्न हो जाएगा और ये मार्केट में पैसे भी जा रहे हैं, तो इस पैसे को 10 साल 5 साल तक हाथ पता है। ठीक है, तो आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पूरे पैसे इन्वेस्ट मत करो, आपके 3 लाख में से उसको एसटीपी कर दो। तो एसटीपी का अमाउंट मान लो कि आपने 3 लाख डिवाइड बाई 36 मंथ्स और 5 ईयर्स डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट, उस हिसाब से पैसे जाएंगे। और हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर पैसे कमाने हैं तो जब भी मार्केट गिरता है, एक चीज याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, पर मैंने प्रैक्टिकल करके पैसे निकाले हैं, 26-30, 26 से 25% के आराम से निकल जाता है। आपको जब भी मार्केट गिरता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी 2,000 की एसआईपी है, तो आपको एसआईपी का अमाउंट सीधा 5,000 पे ले जाना है, और मार्केट गिरता है तो 7,000 पे लेना है। बट जैसे जैसे मार्केट सुधरता है आपको एसआईपी का अमाउंट कम कर देना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में डाल लेना, जब भी मार्केट गिरता है आपको एसआईपी के अमाउंट बढ़ानी है, और जब भी मार्केट बढ़ता है आपको एसआईपी के अमाउंट घटानी है। वहां पे ज्यादा एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सस्ते एनएवी मिल गए उसका बेनिफिट आपको बहुत तगड़ा मिल रहा होगा, तो जब भी मार्केट बढ़ता है तो आपका एसआईपी का अमाउंट कम हो जाना चाहिए, मतलब अगर 10,000 की एसआईपी, अब सीधा 3-4 हजार पे आ जाए। ठीक है, और जब भी मार्केट गिरता है आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका भार बहुत ज्यादा हो जाएगा जब भी मार्केट ऊपर आएगा। तो ये, और स्टॉक्स में डालना है, स्टॉक में आपका प्रोपोर्शनेट कैनर सा रहना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको
मिड कैप स्मॉल कैप और ब्लू चिप की तीन के बाहर माइक्रो कैप में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको तीन फंड सिलेक्शन करने हैं, मान लो आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, 25% में से 100% रेशियो आपका ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप ब्लू चिप में डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद ETF में 15% डालो, उसके बाद PF में 10% डालो। और इंश्योरेंस लेना है तो करना क्या है, इंश्योरेंस इफ पॉसिबल तो जो भी आपका पैकेज है, मान लो 10 लाख का पैकेज है, उसका 10x मतलब 1 करोड़ का टर्म प्लान आपके पास होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और उसको 30 इयर्स के लिए रखो, क्योंकि इसका बैकअप आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न निकल जाएगा। मान लो कि आपने 25,000 का टर्म प्लान ले लिया जिसका कवर है 1 करोड़ रुपए का, तो अगर आप 20,000 रुपए का टर्म प्लान में पे कर रहे हो, और मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 1,000 रुपए की भी SIP करते हो जब तक टर्म प्लान चल रहा है, तो आपका टर्म प्लान भी फ्री हो जाएगा और आप पैसे भी वापिस आ जाएंगे, ठीक है। ये तरीका हो गया, बट टर्म प्लान लो। बाकी इंश्योरेंस प्लान्स में मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, बिकॉज कंपैरेटिवली सब चीज घूम फिर के मार्केट में ही आती है, और ये बोनस वाले फंड एंड ऑल दैट दे आर सिक्योर एसेट्स, तो उसमें करना है तो करो, बट मैं आपको टर्म प्लान प्रिफर कर रहा हूँ, ठीक है। और इंश्योरेंस में अगर आपके वो करना ही है तो लाख में से मैं कह रहा हूँ आप 25,000 की पॉलिसी दो, बाकी का टर्म प्लान में पैसे डालो, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन हो गया। तो ओवरऑल आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये सारी स्लाइड्स देख के मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा लास्ट वाला फिगर, इसके मुझे मजा आ रहा है। और ये एक फिगर है जो मैंने शायद आपको दिखाया नहीं था, ये वाले फिगर में आप देख रहे हो, ये 2.7 और ये 2.7 है 2019 का, और 2.0 ये 2.0 है ये 2021 का है, बट एक फिगर मेरे को अच्छी 6.3 और 6.7 यह 2018 और 2022 के 5 साल के ड्यूरेशन में जो इक्विटी मार्केट में फिर से रश आया है, उसका रेशियो देख के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया है। ये देखो, ये सर्कल में जब देखो, मैं सीधी सी बात क्या कर रहा हूँ कि जब ये डाइवर्सिफिकेशन है तभी सर्कल में सारे कलर इक्वल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और ये इसके नजदीक आ रहा है, मुझे ये रेशियो कम चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा अदर्स, ठीक है। बट चलो ठीक है, सारा इन्वेस्टमेंट बरोबर है, बट डाइवर्सिफिकेशन में ये रेशियो कलर्स इक्वल होने चाहिए सब जगह, तब जाके आपका एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनता है, एक पोर्टफोलियो बकेट, ठीक है। चलो हम आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये स्क्रीन आपको शेयर करनी है तो कर सकते हो। और हाँ, अभी तक अगर आपने ना स्टडी किया तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से मैं आपको एक बार स्क्रीन ले जाता हूं, ये आपका रेशियो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो टिल देन आई होप आपको सब समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको बार बार रिव्यू करके पीछे जाके देख सकते हो, उसके बाद वीडियो तो यही रहेगा आपका। और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और हम लिटरेसी शेयर कर सके और आगे बढ़ सके, है ना। चलो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।